सबसे पहले जानना चाहूँगी मैं, ओवरनाइट हम हीना को देखते हैं कि वो बिग बॉस कर रही हैं, इतने शोज कर रही हैं, इतना प्यार मिल रहा है, और अचानक से रातों रात जो है वो जेल में आ जाती हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, उनको कस्टडी में चले जाते हैं। सो क्या कहना चाहोगी, जब वो फेज तो हम सबने बहुत प्यार किया है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हीना को कितना सपोर्ट मिल रहा है, और जेल में वो आई हैं, पार्टी करने गई थी, अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, अलग अलग टाइप की पार्टी थी, कोई कह रहा है रेप पार्टी, कोई कह रहा है बर्थडे पार्टी, कोई कह रहा है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स ब्रेक किए गए हैं। आपको क्या कहना है हीना से, मतलब कौन सी पार्टी थी वो, क्या डिटेल्स आपके पास है? एक्चुअली वो तो सिर्फ बर्थडे पार्टी थी, वो हमें बोल के गई थी कि वो बर्थडे पार्टी में जा रही है दोस्त के, तो मम्मी ने भी बोला ओके ठीक है, जस्ट लाइक कुछ दिन की, दो तीन दिन की बात थी। बट अचानक से ये जो न्यूज़ आया हमारे लिए भी शॉकिंग था, बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एंड देन जब हमने मीडिया के कवर्स देखे जो उन्होंने एलिगेशन डाले, और मतलब बाकी सबको छोड़ के सिर्फ मेरी बहन का नाम उन लोग ने हाइप किया है, जो कि आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी सेंस कि उनका नाम अकेला हाइप हो। अगर कोई और भी फंसा रहेगा तो उन्होंने मेरी बहन का नाम डाल दिया कि ये सामान इसके पास मिला था, इसके पास मिला था। आर यू गाइज लाइक आप लोग थे नहीं थे ना? सो डोंट बिलीव ओनली वॉट पीपल लाइक जो बाहर के लोग जानते हैं, जो मेरी बहन को जानते ही नहीं है, ठीक है, जो जानते हैं जैसे हम हो गए या फिर उसके कोई और जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, अगर वो लोग कुछ बोले तो आप बिलीव करो ना। आप ऐसी मीडिया पे बिलीव करते हैं जो सिर्फ मसाला छापती है, सो आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ इट है। एंड और ये पार्टी के बाद जो इंसिडेंट हुआ, मतलब मेरी बात हुई थी मेरी बहन से एक्चुअली, उसने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है, बट मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सीन हो गया है। मतलब मुझे सिर्फ ये पता था कि पुलिस आई थी, दैट्स इट, बट इतना सीन हो गया था। एंड देन अलग से वो एक एंगल आया प्रोस्टिट्यूटिंग का, आया बस लाइक ये क्या हो गया। सो लाइक दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अस, वेरी लाइक डिसग्रेडिंग आर मॉरल, सब लाइक मॉरल ऑल्सो, के हमने लाइक मेरी बहन तो, हमने तो यही था कि हमारी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती है। सो वी डिडंट बिलीव एनी मीडिया पीपल, एनी पुलिस पीपल, जो भी वो न्यूज़ में था, हमने कुछ बिलीव नहीं किया। हमने जब तक मेरी बहन से हमारी, हमने सोचा कि जब तक हमारी बात नहीं होती बहन से तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, बस हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि उसको बाहर निकालें, दैट्स इट। सो अभी हमारा वही फोकस है कि उसको जितना जल्दी हो सके हम लोग वो के वहाँ से बाहर निकालें और उसको रिलीफ करें। फिलहाल तो अभी हमारा यही प्रोटोकॉल चल रहा है, दैट्स इट। ओके, आंटी की अगर मैं बात करूँ तो जब आंटी को पता चला था तो आपके लिए कितना शॉकिंग था, आपकी उस टाइम पे क्या हालत थी? अरे मैं तो बोल ही नहीं पाई थी, मैं बोला ये हो ही नहीं सकता, हीना बर्थडे पार्टी में गई थी, इधर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और हीना के दोस्त लोग भी ऐसे नहीं है कि ये सब कुछ करे, क्योंकि वो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बनाती है, उसकी पहचान भी अच्छी है, कोई उसके बारे में गलत, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचती तो उसके बारे में कोई गलत सोच ही नहीं सकता। इसीलिए फिर बहुत ये हो गया था, घर पे खाना पीना किसी ने खाया नहीं, सब लोग उससे बात करने के लिए तड़प रहे थे। फिर एक बार हीना का फ़ोन आ गया कि मम्मी तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। तब आया वापस, उससे बात नहीं हो रही थी तो दो तीन दिन, अभी उसके पापा भी थोड़ा बीमार हो गए घर पे टेंशन में, इसलिए फैमिली के लिए ये बहुत ही इमोशनल भरा मोमेंट है वो दिख रहा है। आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने आज पहली झलक देखी हीना की तो वो सीन वह कैसा था, और उस झलक के बारे में जानना चाहूँगी। इतना रिक्वेस्ट किया गया पुलिस से तब जाकर आपको एक झलक देखने का मौका मिला, उस टाइम पे क्या हीना इमोशनल हुई, क्या आप रोए या वो रोए? हाँ मतलब मेरे आंखों से तो पानी आ ही गई थी, तो उसने मुझे यही बोला कि रो मत, पहले तो उसने मुझे वही बोला कि रो मत, मैं ठीक हूँ, और जो भी है हम लोग पुलिस प्रोसीजर के हिसाब से ही जाएंगे, हम लोग कोई लॉ ब्रेक नहीं करेंगे एंड ऑल, एंड कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट्स इट। तो उसने मुझे वो ही बोला, एंड शी वॉज़ वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग थी, एंड हाँ